दर्शकों के साथ, ताकि उनको भी आसानी हो, क्योंकि नई जगह नए देश के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सकूं, मेरे अपने खासकर अपने भारतीय भाई बहनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मैं से रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है वाराणसी के पास मऊ जिला पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पे मैंने यूपी में मैं रहा हूँ कक्षा 7 तक की। मैंने क्लास 7 तक की पढ़ाई मैंने यूपी में की, उसके बाद हमारी फैमिली महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की हिंदी मीडियम से। जी जी। उसके बाद मैंने बीकॉम किया इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि तब तक दिमाग खुल चुका था कि भाई अंग्रेजी मीडियम की बहुत जरूरत है, और ये दर्शकों आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरत है कि आप लोग, जरूरी नहीं कि आप स्कूल में कॉलेज में सीखें, कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, अपने फोन पे भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश की बहुत महत्व है, उससे आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, आपकी सैलरी और मतलब ये एक नॉलेज है ना, एक और भाषा का ज्ञान, और वो भाषा जो पूरी दुनिया में चलती है, चलती है, डॉलर और इंग्लिश हर जगह चलती है। तो अब आप दुनिया भी आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए है। जी जी जी। जितनी ज्यादा आप भाषाएं जानोगे उतनी आपके वो काम में आएगी, उतना उससे क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जी जी। तो मैंने जब 12वीं के बाद गया, मुझे खुद लगा कि भाई अब मैं हिंदी मीडियम, आगे ग्रोथ जो है मुझे शायद इंग्लिश में दिख रहा है। जी जी। तो मैंने बीकॉम इंग्लिश मीडियम से किया। अच्छा, अच्छा। और मैंने वहां से धीरे धीरे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मतलब टफ गया मुझे, बट मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं पढ़ता रहा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था अंग्रेजी के, उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था। जी जी। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, अंग्रेजी के कुछ नाटक वगैरह जो इंग्लिश इंग्लिश चैनल्स है, मतलब जितना आप खुद को, जिस अब जैसे आपको कोई चीज सीखनी है, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो वो कैसे सीखता है ना, तो वो कोई क्लास जाके सीखता है ना, वो किताब पढ़ के सीखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो मम्मी पापा भाई बहन जो बोलते हैं, उसी से वो उस भाषा को सीखता है। अरबी बच्चा है तो अरबी सीखता है, अंग्रेजी बच्चा है तो अंग्रेजी सीखता है, उसके घर का जो माहौल है। तो आप अपने खुद को उस माहौल में ढालिए, किस तरह से आपको अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। तो मैंने 12वीं बीकॉम मैंने किया, फिर उसके बाद में मैंने पुणे गया, मैंने पुणे में कोचिंग की एमबीए में एंट्रेंस एग्जाम की, और फिर मेरा मुंबई की एक मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, जहां से मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में, और कैंपस से ही वहां पे, अब जब आप एमबीए कर लेते हो तो एक अच्छी डिग्री है आप कॉर्पोरेट जगत में आपको नौकरी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कैंपस में ही आपके कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में रिक्रूटमेंट हुआ था मुंबई के उस कॉलेज से, और फिर मैंने वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की, मैनेजमेंट ट्रेनी पहले रहा, उसके बाद में अच्छा, अच्छा। फिर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी में एरिया मैनेजर बना दुबई आने से पहले, और उसके पहले एक और कंपनी रिलायंस कैपिटल में भी मैंने काम किया था सेंटर मैनेजर जी। और मेरा, मैं दुबई किस तरह से आया वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस इन सब बीच में, जैसे अगर मैं भाषा की बात करूँ, तो 12वीं के बाद बीकॉम में, फिर मैंने एमबीए में, एमबीए पूरा इंग्लिश में होता है भाई, हिंदी में नहीं होता है। तो वहां पे मेरे सारे जितने क्लासमेट्स थे उन सबसे अंग्रेजी में मैं कोशिश करता था बात करने की, उन लोगों को बोलता था कि प्लीज मुझे सिखाओ। शर्म नहीं है, शर्माना नहीं है भाई, सही बात है। बहुत सारे लोग संकोच करते हैं, वो शर्माना नहीं है। नई चीज सीखने के लिए आपको किसी के सामने थोड़ा झुकना पड़े, बोलना पड़े भैया हमको सिखा दो, आप ही का फायदा होगा उसमें। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने इस तरह से भी सीखी, पढ़ पढ़ के भी सीखी, बातें कर करके सीखी। उसके बाद में जब मैं बैंक में गया तो वहां पे भी इंग्लिश कल्चर ही था, आपस में लोग अंग्रेजी में बातें करते हैं, वो मैंने सीखा। तो यहाँ की एक कंपनी थी दुबई की, एक कंपनी है उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ रसल खेमा। ये लोग आए थे मुंबई, उस टाइम रिक्रूटमेंट हो रहा था, तो मैंने भी इंटरव्यू दिया। मेरा बहुत मन था कि मैं दुबई आऊं, इसलिए मैंने पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया था। ये चीज आप लोगों को भी करना चाहिए, आप का अगर है कि मुझे विदेश जाना है तो आप विदेश का अपॉर्चुनिटी आने का वेट मत करिए, पासपोर्ट तुरंत बनवा के रखिए। सही बात। पासपोर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी कभी कभी दो महीने लगते हैं इसको बनवाने में। बिल्कुल। तो ये चीज आप पहले से, आप लास्ट मिनट का इंतजार ना करो, पासपोर्ट बनवा के रखो, 2500-3000 रुपए लगेंगे, एक अच्छा डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा, फिर आप किसी भी कंट्री में दुनिया के घूम सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं सीधा, इन लोगों ने मुझे एम्प्लॉयमेंट वीजा भेजा, रोजगार का जो वीजा होता है, और मैं यहाँ पे आ गया 2009 में। उस वक्त मुझे सैलरी ऑफर हुई थी 14,000 दिरहम की, जो करीब 2.25 लाख रुपए होते हैं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 2009 में। और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी ग्रो की, उस कंपनी में मैंने 4-4.5 साल काम किया, और उसके बाद मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया दुबई में ही। अच्छा अच्छा। 2013 में वहाँ पे मेरी सैलरी थी 21,000 रुपए, जो इस वक्त होते हैं करीब करीब 5 लाख रुपए आज की डेट में अगर करें तो, ये मेरे महीने की सैलरी बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक साल वहाँ पे काम किया, और 2014 में करीब 9 साल पहले मैंने वो 5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं 8-9 साल काम कर चुका था और नौकरी मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं खुद का काम करूं। तो दुबई में या दुनिया किसी भी कंट्री में आप ये काम अपने लिए भी कर सकते हो, कि आप किसी की नौकरी कर रहे हो उससे बेहतर, जब आप सेटिस्फाइड नहीं होना तो फिर आपको सैलरी पोजीशन मैटर नहीं करता, आपका जो माइंड, जो इनर पीस है ना, जो सुकून बोलते हैं उसको, एक वक्त के बाद में पैसे का महत्व नहीं रह जाता, आपकी खुशी
है और सुकून। तो फिर मुझे लगा कि मैं अब जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने दुबई में यहाँ पे सलोन्स खोले थे, पूरा लाइसेंस वगैरह कैसे लेना है वो सारा कुछ मैंने किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप खोली, अभी मैं कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन भी बेचता हूँ अमेजोन पे दुबई में ही। उसके अलावा मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ, किसी को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। अच्छा अच्छा। और ये टूरिज्म का भी मैं काम करता हूँ, ये सारे मेरे इस वक्त काम है। मैं इतना सब कुछ क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। मेरे पास में अपना वक्त है जो मैं अलग अलग चीजों में बांट रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतना वक्त देना है। अच्छा, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से, अभी भी मैं जितना मैं उस वक्त कमाता था उतना मैं अभी भी कमा लेता हूँ। बट मुझे मैं वर्क फ्रॉम होम है मेरा, सही बात। मैं घर से काम करता हूँ, जब मर्जी अपना काम खत्म हुआ घर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है भाई साहब मेरी स्टोरी। अब अगर आप बात करें दुबई में आने की और जॉब के लिए, तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप, बहुत सारे एजेंट लोग हैं ना आपको लूट लेते हैं आपसे। मैं हर एक की बात नहीं करता, सही बात। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, सही बात। बट अक्सर केसेस में हमने देखा है कि आपसे 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए लेके वो लोग आपको विजिट वीजे पे बुला के किसी बहाने से आपको वापस भेज देते हैं, ये बोल के कि आपका काम सही नहीं है, सही या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको लाइक नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होता है कि उसने गलती आपके ऊपर डाल दी कि आपका काम सही नहीं है, तो उसने आपसे जो पैसे लिए थे वो आपको वापस भी नहीं करने पड़े। सही बात है ना। तो ये स्कैम बहुत होता है, तो इस स्कैम से बचे, उससे अच्छा आप थोड़े पैसे जमा करके अपना वीजा लो, मेक माई ट्रिप पे जाओ दुबई पे। दुबई का वीजा आपको 8,000 रुपए में मिल जाएगा। एयर टिकट लो 12-15, 10,000 वन वे, ऑन एन एवरेज 20-25,000 में आना जाना हो जाएगा। यहाँ पे एक हॉस्टल में रहो, 1,000 रुपए पर डे का आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एक महीना रहो दुबई, घूमो और अपना सीवी लेके ना ऐसे जितनी शॉप्स दिख रही है ना थोड़ी मेहनत करो। सही बात। वो एजेंट आपको ना 1,000 दिरहम की जॉब दिलाएगा, उसके लिए 1,00,000 रुपए ले लेगा। अगर आप यही चीज इन दुकानों में मॉल्स में जाकर ट्राई करोगे ना, बिल्कुल आपको शायद 2,500 की जॉब मिल जाएगी, जो इंडियन में 50-60,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो भाई अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छी होगी ना, तो आपको ग्रोथ भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर स्टार्टिंग ही लो की ना, तो आपका ग्रोथ तो होगा बट उसमें वक्त बहुत लग जाएगा, वक्त बहुत लग जाएगा। अब आपने जो एजेंट को पैसे दिए तो उसको भरने में ही आपकी 1 साल की सैलरी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और जब अगर ड्राइविंग की बात है अगर, तो यहाँ पे आप लाइसेंस के बिना, आप भले ही अपनी कंट्री में इंडिया में 20 साल से गाड़ी चला रहे हो। वाहिद भाई, ये कमेंट हमें बहुत आ रहे हैं कि यहाँ ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या होती है, सैलरी मतलब कार ड्राइवर की सैलरी कैसे होती है, लाइसेंस के बारे में इसके ऊपर बात करते हैं। तो लाइसेंस के ऊपर भाई, सबसे आप लाइसेंस यहाँ पे तभी ले सकते हो जब आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, विजिट वीजा पे आप नहीं ले सकते। मतलब आप जब एक टूरिस्ट की तरह आओगे और आप किसी कंपनी में जॉब ढूंढ लोगे, तो वो कंपनी आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाएगी जो 2 साल का होता है, हर 2 साल पर रिन्यू होता है। जब आपका वो लग गया ना, उसका मतलब आप यहाँ के रेसिडेंट हो गए, तब आपका बनता है एमिरेट्स आईडी कार्ड, यहाँ की जो लोकल आईडी, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, यहाँ पे होता है एमिरेट्स आईडी। वो बनने, वो बहुत जरूरी है। वो आप जब किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले आपका मांगेगा एमिरेट्स आईडी, और वो मांगेगा एनओसी जो आपका एम्प्लॉयर देगा, वो जनरली मिल जाता है, एम्प्लॉयर दे देते हैं। अब रही बात ड्राइविंग स्कूल के खर्चे की, तो करीब करीब 6-7,000 दिरहम, 6-7,000 दिरहम मतलब करीब 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। हमारे यहाँ 2,000 रुपए में मिल जाता है। जी जी, यहाँ पे दुबई में, यहाँ पे असल में सिखाते हैं आपको, रोड पे 40 क्लासेस होती है आधे आधे घंटे की, रोड पे 40 बार आपको इंस्ट्रक्टर के साथ में उनकी गाड़ी में उनके पेट्रोल पे आधे आधे घंटे 40 बार, मतलब 20 घंटे की आपकी रोड पे टेस्टिंग ड्राइविंग होगी। उसके अलावा आपको सिग्नल के बारे में, पार्किंग के बारे में, ये सारे टेस्ट कराए जाएंगे। आरटीए की फाइल खोलनी होती है, जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, फिर टेस्ट की फीस होती है, इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल टेस्ट, और फिर लाइसेंस की फीस। तो इन सब में करीब 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। ये अगर आपके पास में लाइसेंस भी आ गया ना, तो ये एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है, ये आपकी ग्रोथ में बहुत काम में आता है। आप सेल्स जॉब ज्वाइन कर सकते हो, गाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, एक बंदा ये है, एक बंदा मैं हूँ, वो हम दोनों की सेम कैलिबर है, सेम अनुभव है, बट इसके पास लाइसेंस है, मेरे पास में नहीं है, इनको जॉब जल्दी मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास में आने जाने का साधन है, साधन है। तो ये प्रेफरेंस आप, उसमें आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। अगर एक सेल्स के बंदे को दुकान में 2,000 की जॉब मिलेगी, एक ड्राइविंग लाइसेंस वाले को ज्यादा मिलने का ज्यादा चांस है, शायद 3,000 की जॉब मिले। एक ऑन एन एवरेज अगर मैं एक ड्राइवर की सैलरी की बात करूं, तो वो होता है 2,000 से 3,000 दिरहम के बीच में, मतलब 50-70,000 रुपए पर महीने एक ड्राइवर की यहाँ पे सैलरी होती है। बिल्कुल। अब अगर आप ट्रक ड्राइवर की बात करो, तो उनके लाइसेंस में थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाता है, वो कमर्शियल में आ जाते हैं, तो कमर्शियल में आ जाते हैं, उनकी करीब करीब 10,000 दिरहम, मतलब समझ लो 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख के बीच में आप लाइसेंस का खर्चा पकड़ो, और उनकी सैलरी भी 3,000-3,500, मतलब 1,00,000 रुपए, 80,000, इस तरह की एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पे कमा लेते। अच्छा वाहिद भाई, एक सवाल हमारा हो रहा है, क्या जैसे हमारे यहाँ
इंडिया में ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके हैवी हैवी लाइसेंस होते हैं, तो यहाँ आके उसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहता। नहीं, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंस इस तरह से होता है कि वो एक्सपीरियंस आपको काम में तो आता है, आपको जो टेक्निक है जो लंबी गाड़ियों को चलाने की, बट फिर भी लाइसेंस नहीं चलेगा, इंडिया वाला लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी दो वजह है। आप मेरी स्टीयरिंग देख रहे हो, इंडिया में इस तरफ स्टीयरिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इस तरफ है रोड, हम किस तरफ चल रहे हैं, इंडिया में गाड़ी उस तरफ चल रही होती है, आदत पड़ती है, बिल्कुल आ रही होती है, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज सीखने के लिए टाइम लगता है, माइंड सेट करना पड़ता है, कंफ्यूजन ना हो, अगर आप इंडिया, आपको आपके माइंड में इंडिया का होगा, आप यहाँ पे एक्सीडेंट कर दोगे, फिर बिल्कुल हो आपको लगेगा गाड़ी इधर से आ रही है, बल्कि गाड़ी इधर से आ रही होगी। अच्छा, आदमी का भी ऐसे ही है, आदमी का भी ऐसे ही है, बिल्कुल, आपको लेफ्ट राइट देख के दुबई आओ तो रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देख के ही क्रॉस करना। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ का लाइसेंस मिल जाए जी तो इजिली जो मिल जाएगी? जी 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 बिल्कुल, अगर गाड़ी गाड़ी तो यहाँ गाड़ी गाड़ी है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, एक बंदा जो बिना लाइसेंस का है और एक बंदा विथ लाइसेंस है, आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑफ कोर्स कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, जब आप अपने बायोडाटा में लिखोगे ना कि मेरे पास में यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपका बायोडाटा का वेटेज बढ़ा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे जितनी ज्यादा डिग्रियां हैं उतना आपका वेटेज होता है, उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास में यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस हो। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो हुई ड्राइविंग लाइसेंस की। अब कोई ये भी बहुत सारे सवाल है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, तो यहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी? भाई एजुकेशन हर लेवल के लोगों के लिए यहाँ पे जॉब है, ऐसी बात नहीं है कि कम पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। जैसे किसी रेस्टोरेंट में है, सर्विस स्टाफ की जरूरत पड़ती है, किचन स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एक दुकान में आप जैसे ये सामने देखेंगे आप, ये ग्रोसरी है, तो इसके सेल्स काउंटर पर बैठने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं, आपको कम से कम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता हो, नंबर पढ़ने पैसे गिनने आते हो, उतना भी है तो आपको जॉब मिल सकती है दुबई में। डिलीवरी बॉयज है यहाँ पे जो गाड़ियों से बाइक से डिलीवरी करते हैं, वो लोग महीने का 2,500-3,000 दिरहम कमा लेते हैं, जो कि होता है 60,000-70,000 रुपए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ। अच्छा वैद भाई, सबसे ज्यादा यहाँ भारतीय लोग कौन से राज्य से हैं? भाई सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग करूंगा इस कंट्री की पॉपुलेशन में, तो सबसे ज्यादा इंडियंस लोग हैं, और यहाँ पे इस कंट्री में आने के लिए आपको अंग्रेजी अरबी आना जरूरी नहीं है, लगभग 99% लोगों से आप हिंदी में यहाँ बात कर सकते हैं, आप भले ही ना पढ़े लिखे हो, आप यहाँ शेखों को भी आती है, यहाँ के लोकल लोग इंडियंस लोग इतने ज्यादा हैं और इतना इंटरेक्शन होता है बातचीत में कि यहाँ के अरबी लोगों ने भी उर्दू और हिंदी सीख ली है, बिल्कुल, तो बातचीत में ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होती है, और उसके अलावा पढ़ाई कम ज्यादा हो तो भी चल जाता है। आपके अंदर अगर काबिलियत है ना तो पढ़ाई कम भी हो तो आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा। और यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है केरल वाले आदमी जाता जी है। हाँ, ये आपका सवाल जो आपने पूछा, इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको केरला के लोग मिलेंगे, इसका कारण ये है, एजुकेशन वाइज अगर आप देखें तो वो गवर्नमेंट का डेटा भी है कि पूरे दुनिया में सबसे पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा साक्षरता है वो केरला में है, तो लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, और ऑफकोर्स अब जब आप ज्यादा पढ़े लिखे तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होती है। बिल्कुल 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 जी। वाहिद भाई, जैसे कि यहाँ पे भाई मैं आया पहले तो इस पे विजिटर वीजा पे आया, जो वगैरह मैंने ढूंढ ली, सेटल हो गया, बाद में शादी हो गई, तो फैमिली आप नहीं रख सकते हैं? फैमिली रख सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपकी एक सैलरी लेवल जो है ना एक सर्टन अमाउंट के ऊपर होना चाहिए, अगर आपके पास में अकोमोडेशन है कंपनी की तरफ से दिया हुआ तो आपकी कम से कम सैलरी 3,500 दिरहम होनी चाहिए प्लस अकोमोडेशन, अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है कंपनी की तरफ से तो 5,000 दिरहम की सैलरी होगी, तो आप अपनी बीवी बच्चों को स्पॉन्सर करके यहाँ पे बुला सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई फैमिली की बात, अब बात करते हैं नौकरी हो गई भाई, जैसे मेरे जैसे इंसान है आप जैसा बिजनेस करना है जी, तो यहाँ आके बिजनेस कैसे करें? बिजनेस बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस ऑफ कोर्स हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जब आप आते हो विजिट वीजा पे आप यहाँ पे लाइसेंस आपको लेना पड़ता है सबसे पहले, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको बिजनेस क्या करना है, बिजनेस आप वही करिए जिसमें आपको महारत हासिल हो, जो चीज में आप कॉन्फिडेंस हो, ब्लाइंडली किसी भी चीज में मत घुस जाइए, क्योंकि जब खर्चे होते हैं फॉरेन कंट्रीज में अगर वैसी इनकम आप जनरेट नहीं कर पाए तो आपके लॉसेस भी होंगे, ये सिर्फ दुबई में नहीं पूरी दुनिया में ये बात लागू होती है। बिल्कुल सही बात, तो आप काम वो करो जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो, आपको पता है कि हाँ मुझे कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ बेचना है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, और मैं उतना प्रॉफिट बना पाऊंगा कि नहीं जितने मेरे खर्चे हैं उससे ज्यादा, ठीक है,
तो सबसे पहले आप बिजनेस आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद में लोकेशन आइडेंटिफाई करिए कि मुझे किस लोकेशन पे लेना है, ऑफिस लेना है, दुकान लेना है, उसका रेंट देना होता है, उसका डिपॉजिट होता है रेंट का 5% सालाना जो रेंट होता है उसका 5% डिपॉजिट होता है, जिस एजेंसी से आप लोग वो 5% कमीशन लेते हैं रियल एस्टेट कंपनी वाले। जब ये हो जाएगा तो आपकी एक बिजनेस लाइसेंस बनती है, किस जब से रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस बनेगा, मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल का लाइसेंस बनेगा। जब वो लाइसेंस हो गया, शॉप हो गई, उसके बाद में अपना बोर्ड लगाइए, अंदर का फर्नीचर वगैरह का काम करवाइए और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में आप उस कंपनी के ओनर हैं तो आपका इन्वेस्टर वीजा लगेगा। आप उस कंपनी के ओनर हैं तो आपने तो विजिट वीजा पे तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अब आपका जो टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा था वो आपके कंपनी के ऊपर स्पॉन्सर्ड होगा आपका नाम, और उसके बाद में फिर आपको एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी तो आप दूसरे लोगों को नौकरी देंगे। तो आपके पास जब लाइसेंस है तो आप दूसरे लोगों के वीजा भी निकाल सकते हैं। उसका कोटा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, आपका बिजनेस का साइज देख के और बिजनेस का नेचर देख के वो आपको कोटा देते हैं कि आप 5 एम्प्लॉय रख सकते हो या 10 एम्प्लॉय रख सकते हो या 3 एम्प्लॉय, तो उतने मैक्सिमम लोगों को आप अपनी कंपनी में बुला सकते हो नौकरी के लिए। अच्छा वायद भाई, वीडियो काफी लंबी हो गई, आपने बढ़िया जानकारी दी। अगर यहाँ कोई घूमने आना चाहता है, बिजनेस सेटलमेंट करना चाहता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहता है, एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी मुझे आप देखिए, मैं जैसा कहा कि मैं जॉब में लोगों को मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि मैं जॉब दिला सकता हूँ, बट मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। मैं बहुत मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे किसी जानकारी से आपको कहीं जॉब मिल जाए, आपकी दुआएं भी मुझे मिलेंगी। और उसके अलावा मैं काम जो मैं करता हूँ, लोगों को दुबई घुमाने का काम करता हूँ बहुत कम खर्चे में, बिजनेस सेटअप का भी मैं काम करता हूँ और प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का भी, ये 3 काम मैं करता हूँ। तो मेरा नंबर है 0097155599064 5। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ये लंबा नंबर लग रहा है क्योंकि इसमें यूएई का कंट्री कोड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप सेव कर लेंगे तो आप, मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मिस कॉल मारेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कॉल बैक करके दुबई से भी आपको सारी जानकारियां दे दूंगा। जी तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात करवाई वाहिद भाई से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में हमने सारी बातें कवर कर ली है, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।